मैं मेरी छोटी बहन की हमेशा रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारी सास हूँ। आओ हमारे सूर्यवंशी परिवार में तुम्हारा स्वागत है। नित्या हो जाएगा काना जी, मत करो सारा सच्ची, बहुत आराम कर ले, सो जा थोड़ी देर। नहीं माँ, मैं कैसे सो जाऊँ? आप बोलिए मैं कैसे सो जाऊँ? उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला हमसे, वो प्यार व्यार सब कुछ सिर्फ दिखावा था, सिर्फ दिखावा। और मैं पागल सोच रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे श्रावण जी मिले। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन सबसे बुरा दिन बन गया। एक ही पल में मैंने अपने पति, अपने ससुराल और यहाँ तक कि अपनी बहन को भी खो दिया। मीनाली ने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया दीने ऐसा? हम बिटिया को क्या कहेंगे उसे? कहा हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम मीरा को नहीं संभाल पाए? ठाकुर जी, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे हमने जो मीरा ने हमारे साथ इतना बड़ा? एक बार के लिए भी उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीतेगी। क्यों क्या मोटिवेट संभालिए अपने आप को। शांत हो जाओ मित्र।
कैसे गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक। देख अपने आप को, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। चल आ बैठ हमारे साथ। ऐसे क्या देख रही है? एक अरसे बाद तू इस घर में वापस आई है, अब क्या पूरा टाइम अपने दिकरे के साथ ही बैठी रहेगी? अरे अपनी सास और अपने पति के साथ कुछ पल तो बिता। बैठ। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, तू बहुत मनहूस है। अब देख, सालों पहले जब तू इस घर में थी तब हमेशा हम लोग कोई ना कोई मुसीबत में घिरे रहते थे, और आज तेरे घर में कदम रखते ही तेरे बेटे की बीवी घर और वर दोनों छोड़ के चली गई। वाह हमारी बहू रानी वाह, क्या भाग्य लेके आई है तू। इतने साल तू तेरे वर के बगैर रही, और अब आज तू जब वापस आई है तो आज ही तुझे घर छोड़ने की नौबत आ गई। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच बताती हूँ, एक दिन तू ऐसे ही किसी सड़क के किनारे मरी पड़ी होगी और लोग तुझे लावारिस समझ के ठिकाने लगा देंगे। तुझे अपने बेटे के हाथ से पानी तक नसीब नहीं होगा। बुरी भी नहीं है, देखना अंबे माँ ने एक और मौका दिया है तुझे तेरी झोली खुशियों से भरने का। तू इस घर में आ गई है, तू अपने पति के दर्शन भी कर सकती है, और मेरी सेवा करके तुझे पुण्य मिलेगा वो अलग। कहीं तू मीरा को लेके परेशान तो नहीं है ना? धर्म बेटा, हमने इस बिचारी के बारे में तो सोचा ही नहीं। बिना सोचे समझे तूने दूसरी शादी कर ली, दूसरी को घर में बिठाया, लेकिन पहली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चलो जाने दे उस बच्ची को, छोटी बहन समझ के उसे स्वीकार कर ले। अरे सॉरी सॉरी छोटी बहन क्या बोल रही हूं मैं, वो तो तेरी बेटी की उम्र की है। देख जैसे अपने पति की सेवा करती है उसी तरह उसकी सेवा करना। उस बहाने तुझे अपने पति के सामने रहने का मौका तो मिलेगा, और अपने बारे में नहीं तो श्रवणीय के बारे में तो सोच। आज तक मैंने मेरे धर्म की हर एक इच्छा पूरी की है। अरे बेटे की खुशियों का ख्याल रखना हर माँ का कर्तव्य होता है, लेकिन तू मनहूस, तेरा बेटा घर छोड़ के जा रहा है और तू उसके हाँ में हाँ मिला रही है। अरे तू माँ है माँ, अपने बेटे का ख्याल रखना माँ का कर्तव्य होता है। मुझे देख, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू नहीं करेगी? अरे एक दिन तो सुहागन की तरह अपने ससुराल में अपने पति के पास बिता ले, फिर भले ही बाकी की जिंदगी इसी दिन की याद में बिता लेना। तू तो समझाएगी ना श्रवणीय को? श्रवणीय को बोलना कि विद्या को एक फोन कर दे, आखिर वो हमारे श्रवणीय की पत्नी है। बाबा जिस तरह हमारा श्रवणीय
मुंह लटकाए बैठा है ना यहाँ पे, उसी तरह वो भी वहां आज सुबह है बैठी होगी। और अब विद्या को इस घर में लाना तेरे हाथ में है। अब आज इतने साल बाद तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, तो उसे गवा मत दुर्गेश्वरी देवी। तेरे बेटे और तेरी बहू की जिंदगी सवारना अब तेरे हाथ में है। धर्म बेटा, जरा ध्यान रखना अपने पहली वाली बीवी पर, क्योंकि अब अपनी गाड़ी सही पटरी पे जा रही है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।